इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही ईरान पर कई प्रतिबंध लगाता आया है और अब ऐसे में जबकि ईरान ने खुलकर समर्थन किया है और इसराइल को कटघरे में खड़ा किया है, ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक और प्रतिबंधों वाली कार्रवाई ईरान के खिलाफ। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर यूएन का 2015 में भी प्रतिबंध जो लगा जो प्रतिबंध है वो समाप्त होने जा रहा है और ऐसे में अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो नए प्रतिबंध ईरान पर लगाने की तैयारी कर रहा है। और क्या कुछ इसके मायने हैं, इसे समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल जुड़ गए हैं। प्रभुदयाल जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और लगातार जिस तरीके से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मध्य पूर्व एशिया में चल रही ये जंग किस तरफ जा रही है और ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए प्रतिबंधों के मायने क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये युद्ध कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ बड़ी समस्याएं हैं जो हल नहीं हो पा रही। पहली तो हॉस्टेजेस की समस्या है जो हमास के कब्जे में है। लगभग 200 हॉस्टेजेस हैं और कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि हमास उनको छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। हालांकि ईरान ने यह जरूर कहा था कि हमास ने कुछ इंडिकेशन उसको दिए हैं कि वो हॉस्टेजेस को छोड़ेगा, लेकिन जब तक ये हॉस्टेजेस छूटते नहीं है, इसराइल जो है वो बमबारी जो कर रहा है गाजा पे वो बंद नहीं करेगा। क्यों करे? क्योंकि उसका तो मकसद ये है कि वो हॉस्टेजेस को किसी कीमत पे भी छुड़ाएगा। दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या है वो जो गाजा पट्टी में रिलीफ सप्लाईज पहुंचाने की। देखिए, वहां के जो फलस्तीनी लोग हैं उनकी जिंदगी तो बद से बदतर होती जा रही है। प्रभुदयाल, जरा ये बताइएगा कि क्या ये आपको बैटल ऑफ नर्व्स बनती नजर आ रही है? आखिर किसका हौसला पहले टूटता है, ये इसकी लड़ाई हो गई है? बैटल ऑफ नर्व्स तो हर लड़ाई होती है, किसका हौसला पहले टूटेगा ये हमेशा देखा जाता है, लेकिन अभी किसी का हौसला टूटता नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से जो गाजा पट्टी में लोग रह रहे हैं उनको किसी तरह की रियायत मिलती दिख नहीं रही है। अब ये मैंने सुना है, बिल्कुल एम्बेसडर प्रभुदयाल आप बने रहिए हमारे साथ में। और जिस तरीके से एम्बेसडर प्रभुदयाल भी कह रहे हैं कि लगातार लोग इसके अंदर मारे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल न तो इसराइल के हमले रुके हैं, न बंधक छूटे हैं और न ही हमास के हौसले टूटे हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से अमेरिका ईरान के ऊपर बड़ी चोट करने की तैयारी कर रहा है, नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और प्रतिबंधों की इस चोट में ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पे और साथ ही जो यूएवी कार्यक्रम है ईरान का उसके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में हमास को के साथ देने पर यह एक्शन लिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इसराइल पहुंचे थे और उसके बाद काफी अंतरराष्ट्रीय राजनीति तेजी से चल रही है। आपको बता दें कि आखिर ओआईसी की एक महत्वपूर्ण बैठक जो कल हुई थी उसके अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ निकला। तो देखिए, ओआईसी की बैठक बुलाई गई थी मौजूदा हालात के मद्देनजर और इसराइल को तेल सप्लाई रोकने के मामले के ऊपर सहमति बनी है और यह रजामंदी हुई है 56 देशों के इस समूह के अंदर जो कि इस्लामिक देशों का संगठन है और इसराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाने की सहमति नहीं बनी है, माफ कीजिएगा, और इसराइल के खिलाफ एकजुटता फिलहाल नजर नहीं आई है क्योंकि कई देश इसराइल के साथ संबंध सुधारने के ऊपर कवायद कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और इसके अंदर यूएई, बहरीन जैसे जो कई देश हैं ओआईसी के सदस्य हैं वो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में इसराइल फिलिस्तीन विवाद पर समाधान पर सिर्फ केवल चर्चा हुई है। देखिए, अभी किसी तरीके से न तो वहां पर बंधक संकट खत्म कराने को लेकर कोई पहल नजर आ रही है, न वहां पर शरणार्थियों के लिए सुविधा जुटाने की कोई कोशिश नजर आ रही है और युद्ध को लेकर सिर्फ बयानबाजी ही अभी तक सामने आई है। कोई ठोस फॉर्मूला, कोई ठोस कवायद इस समय नजर नहीं आ रही है और ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर भी उठ रहे हैं कि युद्ध को लेकर बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन जमीन पर जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है बड़ा संकट इसी चीज को लेकर बरकरार है। एम्बेसडर प्रभुदयाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, समस्या इसी चीज को लेकर जुटी हुई है कि लड़ाई जितनी लंबी खींचती जा रही है ऐसे में दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और बड़ी संख्या नागरिकों की इसके अंदर इस संकट को झेलने के लिए मजबूर नजर आ रही है। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जो जनता है उस पर खतरा मंडरा रहा है, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें वो नहीं पूरी हो पा रही हैं, खाने के पदार्थ, पानी और इस तरह से बहुत से और समस्याएं
बिजली की समस्या, ईंधन की समस्या, ये तो कहीं से हल नहीं हो पा रही। अब ये मैंने अखबारों में पढ़ा है कि बाइडेन साहब और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अलसीसी में बातचीत हुई और ये डिसीशन लिया गया कि इजिप्ट जो है वो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को थोड़ी देर के लिए खोलेगा ताकि रिलीफ सप्लाई जा सके, और इसराइल ने भी इस बात के लिए रजामंदी दे दी है। अच्छा, जहां तक ये ओआईसी की मीटिंग की बात है, देखिए कोई भी अरब देश नहीं चाहता कि वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए लड़ाई में, क्योंकि कई बार अरब देश इसराइल के साथ लड़ चुके हैं और उनका अनुभव यह है कि इसराइल की ताकत उनसे ज्यादा है और खासतौर पर ताकत और ज्यादा हो जाती है बाज़ प्रभुदयाल जब अमेरिका भी उसके साथ खड़ा हो। लेकिन सीधा सा सवाल मेरा इस चीज को लेकर है कि इसराइल कह रहा है कि हमास के खात्मे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन हमास का खात्मा कितना मुमकिन है और उसके बाद की स्थिति क्या, क्या यह संकट सुलझ जाएगा हमास के खात्मे से या एक और नया संगठन जैसे फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद है वो तो पहले से ही खड़ा है? देखिए ये समस्या कब हल होगी, कैसे हल होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सब जो सवाल हैं बड़े पेचीदे हैं। पहली बात तो एक बहुत ये अहम है कि नेतन्याहू पॉलिटिकल रीजंस के लिए भी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो हमास को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमास ने इसराइल पर हमला किया तो इजरायली लोग खुद बहुत नाखुश हैं नेतन्याहू सरकार से कि वो क्या सो रही थी, ऐसा हमला हुआ कैसे। तो नेतन्याहू पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि वो जब तक हमास को खत्म नहीं करते वो ये लड़ाई नहीं बंद करेंगे। उन्होंने तो प्रण लिया है कि मैं हमास को खत्म करूंगा। तो हमास आपने जैसे कहा कि इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा क्योंकि वो सुरंगों में है और इस तरह से उसने गाजा पट्टी में अपनी सुरंगें बनाई हैं, अपने ठिकाने बनाए हैं कि इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। तो इस वजह से ये लगता है कि लड़ाई चलती रहेगी। अब कब खत्म होगी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं बाज़ प्रभुदयाल। और सबसे बड़ी चिंता इसी चीज को लेकर है कि ये लड़ाई जो है वो लंबी खींचती चली जा रही है और जितनी ये लंबी खींचेगी उतना ज्यादा जान माल का नुकसान इस पूरे इलाके के अंदर हो रहा है।